अब भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए कमर कसी है। देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री मोदी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा है, अब वो इसे साकार करने में लग गए हैं। टेरर के बाद अब ट्रेड की बारी है। कल प्रधानमंत्री का पूरा फोकस इसी पर रहा। पहले वो ग्लोबल बिजनेस फोरम में शामिल हुए, जहां उन्होंने निवेशकों के स्वागत में मखमली कारपेट बिछाते हुए बताया कि कैसे भारत दुनिया में निवेश के लिए सबसे बेहतर देश है। Our middle class is a huge segment of people who are aspirational and has a global outlook. Thus, if you want to invest in a market where the latest trend and futures are appreciated, come to India. Our youth are one of the largest users of the app economy. From food to transport and from movies to hyper-local delivery, startups are acing everything. Thus, if you want to invest in startups with a huge market, come to India. प्रधानमंत्री ने निवेशकों को 4D फॉर्मूले से विकास की गाथा सुनाई। उन्होंने बताया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 130 करोड़ की ताकत के साथ जुड़कर निर्णायक सरकार अच्छे दिन लाने के लिए हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रही है। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड एंड डिसिसिवनेस। अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूं तो भारत में ऐसा मौका, ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई दशकों के बाद आई है। जब डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल हो, ज्यूडिशरी इंडिपेंडेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और ग्रोथ का भरोसा अपने आप मिलता है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के ठीक पहले भारत ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती कर माहौल बना दिया था। कल मोदी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए निवेशकों को भरोसा दिलाया कि ये तो बस शुरुआत है। आपकी जानकारी में होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी करने का फैसला लिया है। ये निवेश के स्तर से बहुत क्रांतिकारी कदम है और इस फैसले के बाद मेरी बिजनेस वर्ल्ड में के जितने भी लोगों से बात हुई, जिनसे भी मुलाकात हुई, वो इसे बहुत ही ऐतिहासिक कदम मानते हैं। नई सरकार बनने के बाद अभी 50 से ज्यादा ऐसे पुराने कानूनों को भी समाप्त कर दिया है जो विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, हमारी नई सरकार को अभी 3-4 महीने से ज्यादा समय नहीं हुआ है। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी लंबा समय आगे बाकी है। इस सफर में भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए ये पूरे विश्व के बिजनेस वर्ल्ड के लिए सुनहरा मौका है। ग्लोबल मीट के कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में टॉप 42 सीईओ के साथ हाई प्रोफाइल बैठक की। 2 घंटे चली इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने हर उस मसले पर बात की जिसे लेकर कंपनियों को निवेश में झिझक है, और फिर पीएम मोदी ने एक एक कर उनकी हर चिंताओं को दूर भी किया। भारत की जनता उस सरकार के साथ खड़ी है जो बिजनेस एनवायरनमेंट सुधारने के लिए
बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं रहती। आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो बिजनेस वर्ल्ड का सम्मान करती है, वेल्थ क्रिएशन का सम्मान करती है। हाउडी मोदी मेगा शो में ही प्रधानमंत्री ट्रेड और टेरर के एजेंडे को लेकर चले थे और उन्होंने खुले मंच से अपना रुख, अपनी सोच और देश की तस्वीर का खाका खींच दिया था।